हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बिन के बारे में सीखेंगे। तो कार्बिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है ऑर्गेनिक में। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले हम लोग। जैसे हम लोग ये ले लिया हम लोगों ने, तो इसको हम लोग मिथिलीन भी बोलते हैं, मिथिलीन, या फिर इसको सिंपली कार्बिन भी बोला जाता है। इसको सिंपली हम लोग कार्बिन बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल ले सकते हैं हमारा, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा, ये हमारा हो जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन। इसको डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं। अब कार्बिन में क्या है, सबसे पहले कार्बिन के स्ट्रक्चर को समझिए। कार्बिन में आपके पास दो सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड है कार्बिन में हमारे पास, और एक ऑर्बिटल है जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो अवेलेबल हैं, और एक इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये इसका हो गया वैकेंट 2p ऑर्बिटल, वैकेंट 2p ऑर्बिटल, और ये हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे। तो दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। तो कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसा, तो स्ट्रक्चर इसका ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए था, एक लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर इसका बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में नहीं जाते हम लोग, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रखेंगे कि एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लानर, लेकिन इसके पास दो ही बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी बेंट। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। तो अगर ये अटैकिंग रिएजेंट के फॉर्म में समझे इसको, तो इट कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, दोनों के टाइप इसका एक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है, और जहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ पे इसका अटैक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन में जाएं कि कार्बिन हमारे पास क्या है, ठीक है, तो सिंपली आप बोल सकते हैं इट इज़ अनचार्ज्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इसको बोल सकते हैं हम लोग अनचार्ज्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन विच देयर इज़ अ बाईवैलेंट कार्बन एटम, क्योंकि दो बॉन्ड इसने फॉर्म कर रखे हैं, एक इसके पास लोन पेयर है और एक हमारे पास इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इट कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन एक्ट एज बोथ लिविस एसिड एज वेल एज लिविस बेस। तो कभी भी सवाल में ये आएगा तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। अब आगे चलते हैं कि फॉर्मेशन इसका होता कैसे है, कार्बिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये समझ लेंगे थोड़ा सा हम लोग कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन में देखिए, जनरली हमारे पास दो वेज हैं जिससे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन सा है, तो एक आप ले सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कीटीन्स और डाइएजोमीथेन। इन दोनों से ही हमारा कार्बिन फॉर्म किया जा सकता है। कैसे फॉर्म कर सकते हैं, किस वे में डिकम्पोजिशन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। तो अब इसमें देखिए, अगर हीट के प्रेजेंस में किसी चीज को आप ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पायरोलिसिस। पायरो का मतलब होता है हीट, लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, ब्रेक करना। तो हीट के प्रेजेंस में किसी को ब्रेक करेंगे तो पायरोलिसिस, और लाइट के प्रेजेंस में किसी को ब्रेक करेंगे तो वो बोलेंगे फोटोलिसिस। ठीक है, तो ये टर्म्स भी कहीं पे आ सकते हैं। तो कीटीन या डाइएजोमीथेन का हम लोगों ने पायरोलिसिस या फोटोलिसिस किया, तो क्या बन रहा है अपने पास, कार्बिन बन रहा है। तो देख लेते हैं, कीटीन ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग, तो ये हो गया हमारा कीटीन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया मैंने कि अगर हम लोग
एक इधर मूव कर जाए और एक इधर मूव कर जाए, और ये कब होगा? आइदर इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, ये यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा कार्बीन एंड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो ये जो बना हमारा, ये हो गया कार्बीन हो गया। तो कीटीन से कार्बीन के फॉर्मेशन का मेथड ये है। वैसे ही अगर आप चाहें तो डाइएजोमीथेन से फॉर्म कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो डाइएजोमीथेन से अगर फॉर्म करें हम लोग, तो ये फॉर्मल चार्जेस हैं इनके ऊपर, ये हमारा डाइएजो मिथेन हो गया, डाइएजो मिथेन। अब अगर डाइएजो मिथेन का ट्रीटमेंट आपने हीट या लाइट के साथ, मतलब पायरोलिसिस या फोटोलिसिस कर दिया, तो क्या होगा? अभी इससे भी हमारे पास कार्बीन बन जाएगा एंड प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन आउट हो जाएगा, N2 आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं कार्बीन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, या फिर जब अल्कोहल में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास रिमर टिमन रिएक्शन भी आएगा, तो उसमें समझना होता है वहाँ पे डाइक्लोरो कार्बीन फॉर्म करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग वो कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ अ बेस ऑन अ सूटेबल हैलोजन कंपाउंड, सूटेबल हैलोजन कंपाउंड। तो उस रिएक्शन में हमारे पास दिया रहता है NaOH यानी OH- के साथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म दिया रहता है। ठीक है, तो कैसे इसका रिएक्शन हो रहा है वो देख लीजिए। अगर आपने एक बेस लिया और CHCl3 ले लिया हम लोगों ने, तो ये बेस क्या करेगा, ये सबसे पहले H को हटा लेगा यहाँ से H+ के फॉर्म में, तो क्या बना देगा, इससे फॉर्म हो जाएगा हमारा H2O, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो बन गया इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ तीन क्लोरीन एटम अटैच है। ठीक है, तो ये बन गया अपना ट्राईक्लोरोमिथाइडाइन। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ट्राईक्लोरोमिथाइडाइन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ क्लोरीन अटैच है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्जेस, लेस स्टेबल, तो एक क्लोरीन क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से चला जाएगा, तो ये अपना बन गया क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन के साथ साथ हमारे पास जो है वो फॉर्म हो जाएगा कार्बन के पास दो क्लोरीन रह जाएंगे और एक इसके पास लोन पेयर रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। तो कार्बीन या डाइक्लोरो कार्बीन के फॉर्म करने के मेथड्स जो थे वो आपके हो गए, और आपको याद रखना है कार्बीन कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। तो आगे जहाँ पे भी हमारे पास कार्बीन का फॉर्मेशन आएगा हम लोग समझ लेंगे किस वे में फॉर्म होता है, प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, और फिर रिएक्शन जो हमारे होंगे उसको हम लोग देखेंगे वहाँ पर।